देखिए, हम लोग 8 महीना पहले ही इस बात को बकायदा मीडिया में ही बोले थे, जब वो गढ़वा में अक्षरा सिंह के साथ आभार यात्रा जोहार यात्रा कर रहे थे, तो आप उनसे यही कहा था कि अगर आपको लगता है कि इस आभार यात्रा जोहार यात्रा के आप हकदार हैं और जनता के बिना दबाव के कारण आप 1932 को लेके आए हैं, तो आप धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ आइए और जनता की भीड़ आपके विपक्ष में जाकर आपको बता देगी कि कितना आभार यात्रा में आपका योगदान है या जनता का प्रेशर है। ये 8 महीना पहले ही कहा था, इसलिए आज की सभा 8 महीना पहले से तय थी। हाँ, इससे पहले भी नावाडी आए थे, क्योंकि नावाडी भले विधानसभा एक है लेकिन नावाडी स्वर्गीय जगन्नाथ माधव शिक्षा मंत्री उनका पैतृक प्रखंड है, और हम लोग कहें नहीं वहाँ नहीं, उसके बाहर जहाँ भी कार्यक्रम होगा वहाँ, और मुख्यमंत्री को उनको ना हम काला झंडा दिखाएंगे, ना उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, ना ही किसी प्रकार का हुड़दंग करेंगे, ना ही कोई अराजकता की बात करेंगे। हम लोग सीधा सीधी एक छोटी सी सभा बुलाएंगे और जनता को ये भी संदेश देंगे, और जनता जब वहाँ आ जाएगी तो ऑटोमेटिक उनको संदेश जाएगा कि आप गिनाने आए हैं लेकिन वास्तव में बेच के आए हैं। वो आके कह रहे हैं धोती लुगा साड़ी योजना, और हमारे शिक्षक बहाली में 3600 टीचर सीटों को आधे से ज़्यादा बेच के आए हैं बाहर के लोगों को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली क्लियर किया उनको उन्होंने, उसमें भी स्पष्ट लोग कह रहे हैं कि हम तो दरभंगा से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, हम राजस्थान से आए हैं। अरे भाई, मेरी यहाँ की माएँ, मौसी, काकी, जेठी, उनका मांग का सिंदूर उजड़ा, विधवा हुई, उनका बच्चा यतीम अनाथ हुआ, हमारे मामा, मौसा, काका, जेठा, फूफा, उनका चाम का चुतरा फाड़ा गया, उनका बदन लहूलुहान किया गया, और नौकरी किसी और को बांटेंगे तो कलेजा तो फटेगा ही। तो वो आ रहे हैं अपना एक ऐसी उपलब्धि गिनाने जो हमारी नहीं। हाँ, आपने नौकरी दिया, अभी रघुवर सरकार की ही नौकरी थी, लेकिन दिया भी तो किनको दिया, जिनका इस राज्य से कोई सरोकार नहीं है। आप आके गिना रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे पढ़ने वाले छात्र कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो गिना रहे थे, और हम लोग उसी समय लोगों को ये बता रहे हैं वो गलत गिना रहे हैं। चुनावी सभा कहेंगे, देखिए चुनावी सभा, जन जागरूकता, कुल मिलाकर सब कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग लोकसभा का जो होगा, ये गिरिडीह लोकसभा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत निर्णायक लोकसभा होगी, जो हम चर्चा करते हैं कि हम लोग का पकड़ कहाँ है, हम लोग का धाक कहाँ है, तो सबसे धाक अगर कहीं दिखेगा तो गिरिडीह लोकसभा में ही दिखेगा। ये गिरिडीह से क्या, काशी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ क्या मैसेज देंगे? देखिए, फिलहाल हम लोग बहुत सारे जिले हैं जहाँ हम लोग की तैयारियाँ चल रही हैं, जहाँ हमारा संगठन एक विस्तार पूर्वक अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे समय के साथ साथ बकायदा उन चीज़ों पर भी घोषणा करते जाएंगे। चीज़ें बढ़ती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप होता है, आपने सुना होगा कि आप लोग स्पॉन्सर्ड हैं, विपक्ष के गोद में खेल रहे हैं, इन सवालों का जवाब पहले भी दिया, मगर थोड़ा एग्रेसिव ढंग से आरोप। नहीं, बिल्कुल ये आरोप भी निराधार है। हजारीबाग में हमारे सामने आज सुथी, आज जेएमएम है, कल बीजेपी रहेगी, परसों कांग्रेस रहेगी। हमारी लड़ाई सबके खिलाफ है जिन्होंने इस राज्य में रूल किया है, और बकायदा आप तो सबके खामियों को उजागर कर रहे हैं, उदाहरण दे देकर सबके खामियों को उजागर कर रहे हैं। किस प्रकार शिक्षा में हमें दबा कर रखा गया है, रोजगार में दबा कर रखा गया है, किस प्रकार हमारे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, बकायदा सारी चीज़ों को हम लोग लॉजिकली बता रहे हैं। ये क्या लगता है, अभी तक झूठे हुए हैं, ये क्या तमाम राजनीतिक दलों के लिए माथे में शिकन लाने? बिल्कुल माथे में शिकन नहीं तो बताइए, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अगर वीआईपी पर्सन सभा करे तो आप 5 किलोमीटर की दूरी में सभा नहीं कर सकते। भारत के संविधान में कहीं नहीं है, सभा करने का सबको स्वतंत्रता है, लेकिन बकायदा प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, तो डर तो है और बिल्कुल दिखेगा। खासकर छोटे नागपुर में तमाम राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने झारखंड को बारी बारी से लूटा है, उन्हें सबसे पहले डर का आघात छोटे नागपुर से ही होगा। देखिए, हम लोग अभी फिलहाल, चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री जैसा भी थे, झारखंडियत को लेकर कट्टर थे, एकमात्र शख्स थे जो खुले मंचों पर कहते थे बिहार में बिहार के टीचर, यूपी में यूपी के टीचर, तो झारखंड में झारखंड के टीचर क्यों ना हो। अब इस पर हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग 2024 में ही फ्रेश तैयारी में लगे हैं और उसके लिए हमारा ग्राउंड सज रहा है। दादा, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया आपके पीछे ही, सभा को नेक्स्ट सीएम जयराम पर क्या बोलेंगे? ये क्या मतलब, ये ठीक है, अक्षय समर्थकों को लाठीचार्ज भी हुए जो झारखंड के लोग आए? देखिए, ये तो लोगों की भावना है, उस भावना का हम लोग अपना जान देकर भी सम्मान करेंगे। जहाँ तक लाठी चार्ज का है, तो लाठी जब भी आप आंदोलन करने निकलेंगे, जब भी आप आंदोलन की उपज होकर राजनीति में जाएंगे, लाठियाँ आपको मिलेंगी। ये इतिहास रहा है, चाहे ममता बनर्जी की सरकार बने या फिर अन्य सरकारें जब भी बनी है, नहीं एक व्यवस्था को चैलेंज करते हुए उन्हें लाठियाँ सहना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव के लिए आए हैं। इसे लाठी का उत्तर लाठी नहीं, उनकी लाठी का उत्तर हमारा गर्दन होगा, हमारा सर होगा, लेकिन हम लोग जो विचारधारी को लेकर चले उसको लेकर आगे अमल करेंगे। 450 सभाएं आपकी हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो हम लोग कल दिए थे टेंट उखाड़ने का, रात भर पुलिस प्रशासन किया, मतलब पहला ये होगा जो टेंट उखाड़ने तक पूरा आ गई थी पुलिस। 450 नहीं, ज़्यादा आई थिंक, हमको लगता है अगर ऑफिशियली बात करें तो 700 के आसपास सभाएं हो गया, और ऐसे बात करेंगे तो 1200 के आसपास हो गई। तो मेरा मानना है कि
हम लोग को टेंट से कोई वास्ता नहीं, हम लोग तो विचार के रूप में आए हैं। और मुझे लगता है अगर बारिश भी आती तो आप देख सकते थे लोग छतरी लेकर आए थे, यानी ये 20-30 हज़ार की भीड़ छतरी लेकर सुनती, पहाड़ों पर लोग थे। तो कुल मिलाकर हमारी लड़ाई, हमारी जो आंदोलन है वो विचारधारा की है, हम लोग विचारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा मानना है कि उसके लिए हमें टेंट उखाड़ने, उनको अगर लगता है उनको भाई उखाड़ना है तो अपना शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उखाड़ लेते हैं। हम लोग तो स्कॉर्पियो को ही अपना छत बनाकर, अपना माने मंच बनाकर अपना बात को रख लेते हैं। जयरामदा, आपकी गाड़ी में नेक्स्ट सीएम जयराम मातो लिखा हुआ है आगे में, देखिए अभी से आप मान लिया कि हम नहीं, ऐसा कभी नहीं, अपने मुख से हमने कभी कहा है ना कभी कहेंगे। एक विचारधारा, स्थापित हो जो समानार्थी की बात करे, जो यहाँ के मुद्दों पर बात करे, जिसमें डर ना हो, जो पूंजीपतियों कॉरपोरेट्स की दलाली ना करें। तो हम लोग एक व्यवस्था की बदलाव की बात करते हैं, वो व्यवस्था एक विचार बदलेगी और ये लड़ाई विचारों की है। क्या लगता है निश्चित 2024 में बदलाव होगा? सभा को रोका गया, कहीं ना कहीं अब डर होने लगा जरा। स्वाभाविक सी बात है, अभी तक लोग बोल रहे थे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, जब सभा को बाकायदा रोका जा रहा है तो फर्क तो पड़ा है, फर्क तो पड़ा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो हैं, तो फर्क आने वाले दिन में भी पड़ेंगे। देखिए नेचुरल है, हाँ कल रात को चुना था, आज लगभग 2-2.5 घंटा बात रखे तो ये नेचुरल है। 3-4 घंटा पढ़ा लेते थे और स्पीच वगैरह स्कूल कॉलेज में देते थे, तो समय से आदत हो चुकी है। आज के क्या बोलना चाहेंगे सीएम को, जिस तरह से आज का ये सभा को दबाने को किया गया? उनको तो राजा साहब ही बोले हैं और आगे भी यही बोलेंगे कि अभी भी वक्त है, राज्य को लूटने से बचाइए, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाइए, कॉरपोरेट्स को कंट्रोल में लाइए, यहाँ के जल जमीन जंगल जो लगातार लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं गलत नीतियों के कारण, उन पर नियंत्रण लगाएं और इस राज्य को खुशनुमा बनाएं, क्योंकि आप सत्ता में, शक्तियाँ आपकी है, राजा हैं आप इस राज्य के। ठीक दादा, आपका पूर्ण इस्तीफा कार्यकर्ता नहीं, आप बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो कैसे ये पॉसिबल है? कभी कभी कुछ चीज़ें जब आंदोलन के रूप में आती है तब कार्यकर्ता नहीं, एक जुनून देखा जाता है और मुझे लगता है लोग जुनूनी हो चुके हैं और इसका बदलाव 24 में निसंदेह दिखेगा और बदलाव दिखाने वाले तो आप लोग ही होंगे। दादा करोड़ों की टेंट आज जो लगा था, हाँ बिल्कुल, हमें लगता है 50 लाख प्लस ही होगा। उसमें जो बसें जो आई थी भर भर कर, हम लोग जाके बकायदा हम लोग लिए जाके उसका पैसा उन लोग लगाया, हम लोग सिर्फ आए हैं, बोला गया है साड़ी बांटेंगे, कोई बोला है कि नहीं भाषण सुनेंगे। देखिए हम दूसरा से कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग कुछ देके नहीं लाए। जिस तरह से जगह जगह पे रोका जा रहा था तो क्यों ऐसा किया जा रहा था? यही कि राजा साहब बगल में है, हम वीआईपी हैं और हम लोग साधारण है, अगर लोग उनकी तुलना हमें सुनने आ जाए तो जाहिर सी बात है राज्य उनका है। कंपेयर का कुछ पता चला कि नहीं वहाँ और यहाँ मुकाबला का? एसडीएम 3-3 थाना प्रभारी फोटो को दिखा रहे थे कि ये आप लोग जो फोटो फैला रहे हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री एक भावी मुख्यमंत्री का फोटो वायरल हुआ पूरा और उसको लेकर के पूरा हड़कंप। देखिए सब तो चीज़ हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, मेरा 7 रोग एडमिन है, सिर्फ हम लाइव आते हैं, बाकी सोशल मीडिया में क्या घट रहा है देखवे करते दिन भर, यहाँ मैंने कार्यक्रम में रहते हैं, सफर करते हैं, सोतेंगे कब उठेंगे हम, तो बकायदा सोशल मीडिया उतना हैंडल नहीं करते हैं, तो वहाँ क्या घट रहा है नहीं पता। हाँ ये हमने तैयारी थी कि जब राजा साहब यहाँ आएंगे हम उनके बगल में ही अपने बातों को रखेंगे। इसके बाद कहाँ सभा होने वाली है? डुमरी उपचुनाव को लेकर टाइगर जयराम मातो भी उसी दिन सभा करते हैं डुमरी में? नहीं, हमारा ये उपचुनावी सभा नहीं था, ना हमने कभी इसमें उपचुनाव की कोई बात कही, हम लोग तो ज्यादातर समय लोकसभा पर ही फोकस किए, पहला चुनाव लोकसभा का, हम लोग उपचुनाव को गिनते नहीं है, उपचुनाव को फिलहाल मानते नहीं है। जयरामदा उम्मीदवारों की घोषणा कब करेंगे? उम्मीदवारों की घोषणा लोकसभा के बाद होगी, उस समय थोड़ा सा फर्क लेते हैं उम्मीदवारों को, नहीं लोकसभा, लोकसभा के जो एमपी के जो उम्मीदवार होंगे उनकी घोषणा बाकायदा मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो जाएगी, लेकिन विधानसभा के जो कैंडिडेट होंगे एमपी चुनाव के बाद उनकी घोषणा। अभी केसेस पहले गांव-गांव जगह जगह पर जनसभा करती थी, अभी लोगों का कहना है पहले आसू वर्सेस जेबी केसेस, जेएमएम वर्सेस जेबी केसेस, हर जगह पे जहां भी होती तकरार होती है, एक तरफ बंद पंडाल में एक तरफ खुले मैदान में, क्या इस तरह का हर जगह देखने को मिलेगा? स्वाभाविक है, अब तो हम लोग का ये ठीक है ना, क्योंकि अब वर्सेस तो हम ही लोग रहेंगे, क्योंकि आप तो सब परिवार में लिप्त हैं मोटा मोटी, अभी राजा साहब का तीसरा पीढ़ी भी पॉलिटिक्स के लिए तैयार हो चुका है, पीढ़ी बार तो पीढ़ी अब राजनीति में उनका है, सब सबका, किसकी बात करते, सबका तो परिवार है बीजेपी में जो भी है, उधर जयंत सिन्हा है, यशवंत सिन्हा है, अगर आवाचू में आते हैं तो माननीय सांसद उनकी पत्नी विधायक, और जेएमएम में आते हैं तो भाई उनका पूरा परिवार है विधायक और सांसद। तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डुमरी महासभा? संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई झारखंड का लूट बहुत हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, अब हमारी बात दिल्ली में भी गूंजेगी और नहीं तो फिर झारखंड में, झारखंड के लोग अपनी राजनीतिक महत्व को जानते हुए 1% 1 वर्ड 1 वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसका 24 में बदलाव दिखेगा।